ये देखिए, तो ग्राफिक्स का वोल्टेज तो आ रहा है। अब ये चेक करते हैं कि एलईडी ए का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमारी लाइट आ गई है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहो, और मैंने कहा जितना लाइक करोगे उतना खुल के बताऊंगा, बहुत डीपली बताऊंगा। और अगर लाइक ही नहीं करोगे और वीडियो शेयर नहीं करोगे और देखोगे नहीं तो यार, और ना ही बेल आइकन दबाओगे तो क्या मतलब, फिर क्या बताएं आपको। आइए क्लास, तो क्लास में बैठ के ही जानिए, और अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो क्लास तो आना पड़ेगा। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। तो हाय यूट्यूब फैमिली, क्या आप सभी लोगों को दिवाली की आपको बहुत बहुत बधाई। ये वीडियो मैंने दिवाली में बनाया है, हो सकता है मैं इसको लेट अपलोड करूँ, तो ये मत बोलना है कि सर दिवाली तो निकल चुकी है। तो यार ये है बेसिकली एक लाइट का, और मे भी मुझे हो सकता है इस वीडियो में मैं दो फ़ोन बनाऊँ। देखो मेरे को है ना कुरियर्स बहुत आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, आप भी अगर हमें कुरियर, अगर आप रिपेयरिंग कराना चाहते हैं अपने सेट का और आपने आसपास के लोगों को रिपेयरिंग करने के लिए दिया हुआ है, वो नहीं हुआ है, तो आप हमारे को भेजिए। हमारे पास भेजने पर फ़ायदा क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फ़ोनों को बनाएंगे, सिर्फ आपसे कुरियर चार्ज लेंगे जब आपको रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली अभी मेरे पास में एक सेट है रेडमी, आप देख सकते हैं Note 8, मैं इसका लाइट बना रहा हूँ। ये मेरे पास में एक सेट है रेडमी Note 8 और एक ताजा टू कुरियर, और आप देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है, ट्रेनिंग लेनी है। और ये हमें आया है हिसार से, आप देख सकते हैं हरियाणा, और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इन्होंने हमारे को एक भेजा हुआ है बेसिकली फ़ोन, ये देखिए डब्बे के साथ ही भेज दिया इन्होंने हमारे को फ़ोन। तो इसमें बेस बैंड का प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि सर इन्होंने खुद ट्राई किया हुआ, ये खुद एक दुकानदार हैं और ये फ़ोन है, ये कह रहे हैं इन्होंने खुद ट्राई किया है और इनसे तो हुआ नहीं। ये आप देख सकते हैं, ओके सिम निकली हुई, सिम कार्ड निकली हुई है। तो ये कह रहे हैं बेस बैंड नहीं आ रहा इस फ़ोन में, तो ये वाला फ़ोन भी बनाते हैं अपन इसको। और ये कह चुके हैं सर, हम इसको कहीं और दिखवा भी चुके हैं, देखिए यहाँ से हल्का सा क्रैक है बट फ़ोन चालू है ये, ओके। तो ये फ़ोन इन्होंने भेजा हुआ है, यहाँ अच्छा अभी तो पूरा पैकिंग है फ़ोन में, तो इसको मैं खोलूँगा, उसको बनाऊँगा। आई थिंक Note 6 Pro है ये, तो हम इसको बनाएंगे। तो देखते हैं कोई सभी फ़ोन हो, Note 5 या Note 6 Pro लगभग सेम ही जाते हैं, बट इसको बनाते हैं। और एक ये सेट, और हो सकता है इसका एक अलग अलग वीडियो आए, क्योंकि अभी तो मैं Note 8 को बना लेता हूँ और Note 8 देखते हैं कितना टाइम लेता है, मे बी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़ोन यहाँ पर रखे हुए हैं जो बनाने, आप देखिए यहाँ पर ये हमारे सारे स्टूडेंट के फ़ोन हैं और ये सब हम स्टूडेंट से बनवाएंगे। ये देखिए ये हमारे सारे स्टूडेंट के फ़ोन हैं और ये सारे फ़ोन हम स्टूडेंट से बनवाएंगे। और भी फ़ोन हैं, ये सारे नेटवर्क के फ़ोन हैं, ये देखिए ये सारे नेटवर्क के फ़ोन हैं, चालू हैं इनसाइड, और ये हमने स्टूडेंट से लिए हमारी क्लास के। ये देखिए पीछे लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से नेटवर्क। तो इस ये सारे के सारे फ़ोन हम स्टूडेंट से खुद बनवाएंगे जब उनकी हम प्रैक्टिकल क्लास होगी, पर उनको पहले हम क्लास देंगे, उनके कुछ 2-3-4 सेटों में हम लाइव ट्रबल शूटिंग करके उनको बताएंगे हर तरह के IC, जैसे क्वालकॉम, MediaTek, सैमसंग, अगर इसमें आता है क्या क्या फॉल्ट और क्या क्या इसमें चेक करना होता है, और कुछ फ़ोन उनके सामने बना के हम प्रैक्टिकल रिपेयर कराएंगे, और उसमें भी IC अगर लगानी हुई तो वो भी स्टूडेंट लगाएगा पूरी क्लास के सामने। आप लाइव देख सकते हैं फेसबुक पर,
सिर्फ देखो कहने की बात है, इंडिया में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट जो लाइव आता है ये सब तो, बट आप हमारा को देखो लाइव इज अ टेलीकॉम, हर दिन लाइव आते हैं तीन टाइम पता नहीं कितने टाइम, तो ये सारा चीज़ आप फेसबुक में देखिए। और पहले हम डायग्नोस करवाएंगे लाइव ट्रेवल शूटिंग जिसको बोलते हैं कि कोई इंडिया में नहीं करता ऐसा कुछ नहीं, हर कोई करता है, तो लाइव ट्रेवल शूटिंग करेंगे ये सारे फ़ोनों की। तो अगर लाइव ट्रेवल शूटिंग नहीं होगी तो बनेगा कैसे, तो ये तो पता नहीं अलग ही कोई बात है, बट खैर नो कमेंट्स। सो अभी हम बात करते हैं रेडमी नोट 8, आइए इसको बनाते हैं और रेडमी नोट 8 को देखिए क्या क्या फॉल्ट है और जुड़े रहो। और अगर आपको फिर से कह रहा हूँ कुरियर भेजना है तो भेजो, फ़ायदा है, कोई चार्ज नहीं, टेक्नीशियन को भेजोगे 1,000, 2,000, 3,000 चार्ज ले लेंगे, फिर आपका क्या फ़ायदा, आप कुरियर भी भेजो बनाए भी नहीं तो फ़ोन लटक गए और फिर चार्ज भी दे रहे हो, तो भैया ऐसी जगह भेजो जहाँ चार्ज तो नहीं ले एटलीस्ट। तो आप देखिए हमारी टीम एसर टेलीकॉम बहुत बड़ी टीम है और बहुत ही एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो क्या वेल एक्सपीरियंस है, जब लोगों ने सीख रहे थे तो हम पढ़ा रहे थे, अब लोग पढ़ा रहे हैं तो हम उनको पढ़ा चुके हैं समझ गए नहीं चल वो समझ गए होंगे। तो मेरे भाई चलो रेडमी नोट 8 बनाते हैं। तो देखो पहले हमने बेसिक ट्रेसिंग करना है, तो बेसिक ट्रेसिंग मैं अभी इसमें हर एक में ना डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब क्लास में, क्योंकि दोस्तों क्या है ना मैं सच बताऊं फ्री में कितना भी दे दो ना कोई मतलब नहीं है, ना लाइक करते हो ना आप सब्सक्राइब करते हो, क्या करें आप इस वीडियो को, अगर जितना हो सकता है देखो माइक्रोन की आईसी लगी हुई है, अगर आप वीडियो को जितना लाइक करोगे ना हमारे को मजा आएगा तो हमारे को लगेगा भी कुछ देने के लिए, पर क्या करें देने का मन ही नहीं करता है। हमारे इंस्टीट्यूट का चैनल है, हम इंस्टीट्यूट का वीडियो डालेंगे, हर टेक्नीशियन चाहता है कि सर हर एक दिन कुछ वीडियो खोल के दे दें, अरे तुम लाइक तो करो, तुम शेयर तो करो, तुम प्यार तो दिखाओ, तुमसे कोई पैसे तो मांग नहीं रहा है कि इस वीडियो को देखने के पैसे दो, तो कम से कम लाइक बनता है, तो इस वीडियो को ना जितना हो सकता है उतना लाइक करो, जितना हो सकता है उतना लाइक करो और बेल आइकन बटन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे में ना आपको नहीं तो वीडियो अगला समझ में या दिखाई नहीं देगा, अगर इंस्टीट्यूट का है अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखो, पर जैसे ही कोई ऐसा वीडियो आता है या तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी मैं सच बता रहा हूँ। तो देखो इस सेट में ना ऑलरेडी काम हुआ है, आप देखो कैपेसिटर हिला हुआ है, मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, ये देखिए कैपेसिटर यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए टेढ़ा सा लगा हुआ है, आईसी के बगल में ग्लू होता है, ग्लू कटा हुआ है और यहाँ पे स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये लाइन का स्क्रैचेस है और देखा जाए तो बेसिकली इस आईसी पे पेस्ट दिखाई दे रहा है और काम हुआ है। अच्छा इस फोन में ना ज़्यादातर फोन का कनेक्टर पे लोग बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करते हैं क्योंकि कनेक्टर पे कोई काम नहीं है। चलो तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि फ़ोन में ग्राफिक्स का फॉल्ट है कि लाइट का, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कुछ और है और निकलता कुछ और है, तो ये चेक करने के लिए ना हम पहले पीसीबी को लगा देते हैं। और देखिए मैं क्या क्या लगा रहा हूँ, मैंने फ्लैक्स केबल लगाया और बैटरी लगा दी, और मैंने क्या नहीं लगाया, डिस्प्ले कनेक्टर नहीं लगाया, ठीक है। अब तो मैं ग्राफिक्स के वोल्टेज तो चेक कर ही लेता हूँ ना, और ग्राफिक्स के वोल्टेज यहाँ पर इन कैपेसिटर्स पे आते हैं, अगर मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे तो समझ जाओ चप्पल पे आते हैं, यहाँ पर चप्पल लगी हुई है, तो मेरे भाई चप्पल पे आ रहे हैं, चप्पल चेक करना है चप्पल। तो आप देखिए ये यहाँ पर वोल्टेज मैंने रखा हुआ है डीसी वोल्टेज, और मैं इसमें चार्जर फंसा देता हूँ, और ये वोल्टेज कितनी देर में और कब कब आएंगे ये अगर मेरे स्टूडेंट दिख रहे तो वो समझ जाएंगे। बाकी भाई बहुत कुछ अब मैं तभी दूंगा जब आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और जितना हो सकता है शेयर करोगे, अगर आप प्यार दिखाओगे तो मैं तो आपके लिए खोल के प्यार दिखाऊंगा, आप नहीं दिखाओगे तो मैं क्या करूंगा ये बार बताइए, आप भी किसी के लिए कब तक काम करेंगे जब तक आपको कोई फ़ायदा ना हो एक बार बताओ ना, है ना, क्योंकि बेमतलब मैं आप भी मुझे प्यार दिखाओ मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें खोल खोल के बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर +5 -5 तो यार मुझे ऐसा लग रहा है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर हम इसको देखें ये देखिए तो ग्राफिक्स का वोल्टेज तो आ रहा है, अब ये चेक करते हैं कि एलईडी ए का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो एलईडी ए का वोल्टेज ना इस पिन में ना इस वाली पिन पे आता है। तो आप देखिए एलईडी ए का कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है लाइन कटी हुई है। तो अब लाइन कटी हुई है तो इसका पीसीबी का पीछे का भाग देखते हैं, और अब इस पर ये लगाने से तो कोई फायदा है नहीं है, तो इसको डीसी से कनेक्ट करते हैं। और डीसी से कनेक्ट करते हैं इसको, तो देखिए डीसी से कनेक्ट किया है, और चेक करते हैं कि जो लाइट आईसी है वहां पर कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये थोड़ा कनेक्टर ढीला है, इसलिए थोड़ा आराम से चेक करना होगा। मल्टीमीटर में ध्यान रखिए, मल्टीमीटर पे ध्यान रखो और वोल्टेज चेक करो। देखो ये हमारा लाइट का सेक्शन D8 आईसी लगी है इसमें, सबसे रनिंग आईसी है। तो ये मेरा जो कैप्स है ये मेन फिल्टर कैप्स है, और ये मेरा कॉइल लगा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, और ये यहाँ पर इनपुट ये देखिए 0 ओम्स का रजिस्टर लगा है जो कि इनपुट है लाइन। तो यहाँ पर 4 वोल्टेज आ रहे हैं, बट ये मैं बोलता हूँ चलो आईसी खराब होगी तो 4 वोल्टेज तो निकलने चाहिए ना, क्योंकि ये तो ट्रैक है, पर ये नहीं निकल रहे क्योंकि ट्रैक कटा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर किसी ने ये ट्रैक को ही काट दिया है, तो मुझे लगता है कि अब आईसी निकाल के ही पता चलेगा कि क्या होगा। और दोस्तों मैं तो सच बताऊँ, मैं ऐसे टाइम पे ना अपना टाइम खराब बिल्कुल नहीं करता, मैं आईसी भी चेंज करता हूँ, क्योंकि जनरली किसी ने काम किया हुआ है, और काम किया हुआ सर्किट में हमेशा है ना बहुत पंगे होते हैं। तो आप एक एक चीज़ आप रिवॉल्व करके आप सोचोगे, ये एक्सपीरियंस के तौर पे काम किए वो सर्किट में है ना, आईसी रिवॉल्व करने का मतलब तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो वो करके बैठा होता है ना, और तभी वो आईसी की वजह से, देखो 90% तो गेम आईसी की वजह से लोग नहीं बना पाते। तो आइए सबसे पहले ना ये आईसी को उखाड़ते हैं, और आईसी को उखाड़ने के बाद में देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कितना हमारा बन रहा है, कितना हमारा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ना फॉल्ट क्या है, मैं फॉल्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पर ना आप देखो कि EN के ना ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये निकाला है 1.8 वोल्टेज का। तो भैया ये आईसी तो पहले बात काम ही नहीं करेगी, पर क्योंकि 4 वोल्ट भी मिलना चाहिए ना, तो ये आईसी जो थी वो डैमेज थी। आउटपुट तो आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ भी वोल्टेज नहीं मिल रहे थे ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जम्पर लगाते हैं और ये आईसी को नया बिठाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
अब इसी को रख देते हैं। हमारे पास नई आईसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आईसी का डिब्बा और हमारी जो एक और नई आईसी का डिब्बा है, ये यहाँ पे हमारे पास D8 अभी हमने हाल ही फिलहाल खरीदी है। तो यस, आईसी के बिना तो आज आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख नहीं सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, देखो मेरा कहने का मतलब ये, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम लोन लेकर आए हैं, ये हैं वो है। ठीक है, आपके पास अगर अभी बजट कम है और आप इस लेवल पे काम करना चाहते हो तो आप समझो कि यहाँ टूल के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई बहुत लो बजट में पढ़ा रहा है आपको, तो ये समझो कि वो तो पहली चीज़ आपको सब कुछ बता नहीं रहा है, ना ही उसको खुद पता है, ना ही वो इतने लेवल पर काम कर रहा है। 8, 10, 15, 20, 25 हज़ार में जो आपको पढ़ा रहा है, तो वो आप ये समझिए कि उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या काम करवा रहा है। तो ये D8 है, तो हम इसमें से एक आईसी निकाल लेते हैं। तो देखिए, इतनी छोटी सी लाइट आईसी D8, उसको रिबॉल करके लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिबॉल है। तो चलिए लगाते हैं। मैं अभी बूस्ट कॉइल और कैपेसिटर चेंज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो मेरे को आईसी का ही फॉल्ट लग रहा है, और मैं पहले आईसी चेंज करने में बिलीव करता हूँ, उसके बाद बूस्ट कॉइल और कैपेसिटर चेंज करूँगा क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। बूस्ट कॉइल और कैपेसिटर फॉल्टी होते हैं, पर हर बार नहीं। कहने का मतलब ये, हर बार नहीं, हर बार क्या फॉल्टी होता है, आईसी। अब चेक किया जाए कि आईसी सही लगी है या नहीं, या आईसी सही लगी है तो क्या वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। क्योंकि आईसी तो सही लगी है, नो डाउट, बट क्योंकि हमारा डाउट अभी इसके बाद अब जाता है नेक्स्ट, कैपेसिटर और बूस्ट कॉइल, ये भी हम चेंज करेंगे। बट पहले तो हम इससे काम चलाएंगे और आइए बोर्ड को ठंडा करते हैं। तो देखिए, हमारी लाइट आ चुकी है और ये हमारा बोर्ड,
और आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट आ गई है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहो, और मैंने कहा जितना लाइक करोगे उतना खोल के बताऊंगा, बहुत डीपली बताऊंगा। और अगर लाइक ही नहीं करोगे और वीडियो शेयर नहीं करोगे और देखोगे नहीं तो यार, और ना ही बेल आइकन दबाओगे तो क्या मतलब, फिर क्या बताएं आपको। आइए क्लास, क्लास में बैठ के ही जानिए, और अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो क्लास तो आना पड़ेगा।